हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग। सो टाइटल आप लोगों ने देख लिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लहंगाज हॉल, जो कि होने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्री के लहंगा। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बहुत सारे ऐसे लहंगे हॉल, कुर्ती हॉल, साड़ी हॉल करा है, एक बार करा है शेयर, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड बाकी आप लोगों को मेरा पता है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ जेन्युइन रिव्यू शेयर करती हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप बाय करना, और अदरवाइज कोई बात नहीं, और जो अच्छा नहीं होता मैं आपको डेफिनेटली बता देती हूँ। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना हॉल। गाइज, ये है अमेजिंग फैक्ट्री की वेबसाइट, आप देख सकते हो। यहाँ पर लहंगा, सलवार सूट, साड़ी, कुर्ती, जो भी एथनिक वेयर में आपको चाहिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। इवन यहाँ पे किड्स वेयर भी अवेलेबल है, और आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्क्रीन पर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं ये आपको स्क्रीन पर तो दे ही रही हूँ, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप नंबर एंड वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। गाइज, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं ये, तो आपको जो भी कम्फर्टेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना हॉल। फर्स्ट मेरा फेवरेट कलर जो है उसी से ही स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो है मेरी चोली जो है वो स्टिच्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लहंगा दिखाती हूँ आपको। जो लहंगा है वो भी स्टिच्ड नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया तो मिल ही जाता है। मैं साथ ही साथ स्क्रीन पर पिक्चर भी शेयर करूँगी कि ये स्टिच होने के बाद कैसा सा लगेगा, कैसा लगेगा पहनने के बाद। तो ये देखिए येल्लो कलर का है, फैब्रिक वॉज अमेजिंग। थोड़ा सा कैमरे को ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। सो ये येल्लो कलर का है लहंगा, येल्लो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। अगर आपकी हल्दी है, मेहंदी है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये वाला लहंगा। एंड मैं फ्लेयर की बात करूँ तो ये देखिए, मैं एकदम अच्छे से आपको करके दिखाऊंगी। ये देखिए जिस हिसाब से इसका प्राइस है ना, बहुत ही अफोर्डेबल, उसके हिसाब से इसका फैब्रिक वॉज अमेजिंग। मैं पास से भी दिखा देती हूँ, ऐसा नहीं है, रफली वर्क करा है, बहुत ही सुंदर वर्क करा है लहंगे पर। एंड अंदर आपको मैं दिखाती हूँ तो केन भी मिल रही है, जो कि मिलती नहीं है जल्दी से सारे लहंगों के साथ। हम कई बार ऐसा होता है कि हम लहंगे परचेज करते हैं बट हमें ज़्यादा फ्लेयर चाहिए होती है, तो हमें केन मार्केट से लगवानी पड़ती है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो केन आपको लगी लगाई ही मिल रही है लहंगे में, ठीक है। ये चीज़ आगे अंदर एक और लाइनिंग भी मिल रही है, जिससे केन आपको चुभे ना। और उसके बाद है ये वाला फैब्रिक, पूरे फैब्रिक पे ऑल ओवर यहाँ पे फ्लावर है, एंड यहाँ पे फिर जिगजैग का डिज़ाइन है। एंड नीचे एकदम नीचे आकर यहाँ पर आपको गोटा पत्ती वाली ये ग्रीन कलर की लेस भी मिल रही है। तो हो गया लहंगा। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ ब्लाउज की। ब्लाउज भी ऐसा नहीं है कि आपको प्लेन मिल रहा है, बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज पे ये देखिए, पास से दिखाती हूँ। ये देखिए स्क्वायर्स एंड सर्कल में आपको यहाँ पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करके दी हुई है। एंड आप थोड़ा सा नीचे आएंगे इस जगह पर, ये देखिए ये आई थिंक मुझे तो ये बाजू लग रही है, इस तरह से आएगी, ये देखिए। तो इस तरह से, बाकी मैं देख लूँगी इसको, तो ये कुछ इस तरह से फैब्रिक दिया आप इसको, या तो अपना अगर आपको थोड़ा सा हैवी, मतलब ऊपर से थोड़ा सा लाइट है, नीचे यहाँ कमर पर बेल्ट पर थोड़ा हैवी चाहिए तो आप उस जगह पर भी ले सकते हैं। बाकी मुझे तो ये बाजू ही लग रही है, तो ये साथ में दिया आपको, बहुत ही सुंदर सा फैब्रिक है गाइस, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जॉर्जेट का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा ये मिल रहा है आपको ब्लाउज का। अब मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा, तो दुपट्टा भी बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल प्लेन नहीं दिया है, जॉर्जेट का दुपट्टा मिल रहा है पूरे दुपट्टे पर। ये देखिए पूरे दुपट्टे पर आपको छीटा मिल रहा है उसी सेम वर्क का जो आपको चोली पे मिल रहा है। एंड साथ ही साथ आपको जो ये साइड्स वाले, ये क्या कहते हैं इसको, ये इस जगह पर आती है चीज, मुझे ना पता नहीं है, इसको तो पल्ला कहते हैं, इसको शायद किनारी कहते हैं। किनारी पर भी आपको देखिए इस तरह से चौड़े बॉर्डर की काम करी हुई लेस मिल रही है, एंड ग्रीन कलर की भी चारों तरफ पूरे दुपट्टे पर आपको लेस मिल रही है। तो दुपट्टा आप कुछ इस तरह से अगर ऐसे लेंगे, कुछ इस तरह से खोल के लेंगे, ये देखिए, तो भी बहुत सुंदर लगने वाला है। एंड अगर आपने कुछ इस तरह से पिनअप करके साड़ी स्टाइल में ऐसे कुछ लेना चाहते हैं बांधकर, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो फर्स्ट पीस है मेरा ये येलो कलर का लहंगा। इसके बाद आते हैं ब्लैक पर, जो कि मैंने भी पहना हुआ भी है। सो ये देखिए,
आपको ऐसे देखकर ही लग रहा होगा कि यार ये क्या मजे की चीज है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके लहंगे से कुछ कुछ मिलता जुलता इसके जैसा है, बट वहां पर क्या था, उस लहंगे में यहाँ पे डॉट डॉट्स वाला था नीचे तक, बट ये यहाँ से ही स्टार्टिंग से कमर से ही पूरा जिगजैग वाला वर्क आ रहा है। दिखा देती हूँ कहाँ तक। नीचे आके थोड़ा सा पास पास हो गया हैवी, एंड एकदम नीचे आके एकदम आपको जिगजैग में, मतलब ऐसे जिगजैग डिजाइन है, पूरा भरा हुआ मिल रहा है। एंड गाइज अगेन, वो लहंगा भी बहुत ज्यादा फ्लेयी था, ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसे टाइट फिटेड वाला, बहुत ज्यादा फ्लेयर है। इस लहंगे में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कलियों वाला है जिससे कि बहुत ही अच्छी फ्लेयर आती है। देखिए इस तरह मैं आपको लहंगे की वो दिखा रही हूँ कितनी है, ये देखिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर लगेगा पहनने के बाद। और अगेन इस लहंगे में भी आपको ये देखिए केन केन मिल रही है। ये बहुत ही, मतलब मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि अगर आप 2000-2500 इतने तक के लहंगे मिलते हैं, आपको केन केन कोई नहीं लगा के देता। इतने अच्छे फैब्रिक के साथ, इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैंने तो कहीं नहीं देखा। या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, या तो फैब्रिक में, या तो फिर काम में, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है गाइज। तो ये है इसका लहंगा, इसको आप किसी नाइट का कोई इवेंट है, रिसेप्शन है, उसमें आप डालिए, बहुत ही सुंदर लगेगा गाइज, सच में, सीरियसली। सो ये है इसका लहंगा। अब मैं आपको इसकी चोली दिखा देती हूँ, इस चोली, यस ये देखिए। सो इसकी चोली कुछ इस तरह की है। सो ये जो है, ये इसकी फ्रंट है इस तरह से, ठीक है। इसकी फ्रंट पार्ट आ गया, और इसका बैक पार्ट भी प्लेन नहीं है, ये देखेंगे। तो इस साइड, एक साइड आपको बैक मिल रही है एम्ब्रॉयडरी करी हुई, और एक साइड आपको फ्रंट मिल रही है। स्लीव्स आप इसकी कट बनवा लेना, या अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ पहनना है तो नॉर्मल आप जॉर्जेट की प्लेन स्लीव्स भी बनवा सकते हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है इतना हैवी है, तो उसके साथ इस स्टाइल के साथ कट स्लीव ही अच्छी लगेगी, ऐसे स्ट्रैप वाली। बट वही, अगर आप नहीं पहनते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप स्लीव्स लगवा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है ये चोली, एंड गोल्डन कलर का इस पर सीक्वेंस वर्क है चोली पर भी। अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की। जो येलो वाला था उसका दुपट्टा तो जॉर्जेट का था, बट जो ये है ना, जॉर्जेट का था ना, जॉर्जेट का था, बट जो ये है ये नेट का है। अगेन, मतलब मैं बार बार जब मैं इसको खोल के देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि चलो एक लहंगे में हो गया, ठीक है, कि दुपट्टे में भी काम दिया है, केन केन भी लगाई है, ब्लाउज में भी काम दे रहे हैं, स्लीव्स भी किसी किसी पीस के साथ दे रहे हैं, बट सब में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कोई क्या करता है ना, जब कोई 5 पीस निकाल रहा है अपने, 10 पीस निकाल रहा है, तो एक में वो बहुत अच्छा हैवी चीज दे देता है, बट दूसरे में उस चीज को कम करके ना, इस तरह से हेरा फेरी करके वो अपना, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, निकाल लेता है जो सेलर होता है अपना। बट इन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं करा है, इन्होंने सारे दुपट्टों में मुझे ये देखिए छीटा दिया है, एंड उसमें जो छीटा था वो अलग था, इसमें जो छीटा है देखिए गाइज, ये वाला छीटा तो मेरा पर्सनल बहुत ज्यादा फेवरेट है। मन्नी की वेडिंग में आपने देखा भी होगा, मैंने अपने दुपट्टों में अगर छीटा लिया है तो इस तरह से स्टोन वर्क का ही लिया है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। चाहे आप इसको इस तरह से सर पे डालो, मैं तो दुल्हन ही बनी, चाहे इस तरह से आप इसको सर पे डालो तो देखिए कितना सुंदर लगता है पीछे से डालने के बाद, चाहे आप इस तरह से इसको ऐसे ऐसे लें तो भी ये बहुत सुंदर लगता है। और स्टोन वाला छीटा वर्क मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो पूरे दुपट्टे पे स्टोन का छीटा वर्क मिल रहा है, पूरे चारों किनारे पर दुपट्टे पर आपको लेस मिल रही है, सेम वैसी जैसी आपको ब्लाउज पे मिल रही है, लहंगे पे मिल रही है। प्राइस के हिसाब से इसको रेटिंग दूं तो मैं 10 out of 10 दूंगी अभी तक दोनों लहंगों को, ठीक है। तो फटाफट से बढ़ते हैं तीसरे लहंगे की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया येलो ग्रीन, इसके बाद ब्लैक गोल्डन, इसके बाद आ गया है गोल्डन क्रीम एंड ब्लू, बहुत ही सुंदर सा है। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसके लहंगे के साथ। सो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो मेरे टाइप का ये फैब्रिक नहीं है, बट ये फैब्रिक अभी बहुत ज्यादा इन है। मुझे पता नहीं, मेरे को गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए, बट मैं फैब्रिक आपको बता देती हूँ। फैब्रिक आई थिंक इसको कहते हैं टिश्यू, ठीक है। ये बहुत ज्यादा चल रहा है, नहीं ये सिल्क कुछ ऐसे कुछ है, ये जो खड़ा खड़ा रहता है ना, इसके आजकल बहुत सारे पाकिस्तानी सूट भी चल रहे हैं, तो ये कुछ उस तरह का है। एंड आप लहंगे की बात करें तो पूरे पे गोल्डन वर्क मिल रहा है, पास से देखिए इस तरह से, नीचे अगेन हैवी काम मिल रहा है आपको पूरे लहंगे पर, ये देखिए इस तरह से।
एंड ये थोड़ा ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फैब्रिक में ना थोड़ा सा इरिटेट होती हूँ। मतलब काफ़ी लोग पहनते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस तरह का फैब्रिक, बट मुझे जो रिलैक्स कॉटन और जॉर्जेट में मिलता है ना, मतलब जॉर्जेट में भी गर्मी एक टाइम पे लगती है बट जॉर्जेट मुझसे संभलता है। बट मैं मुझे आप लोगों के साथ रिव्यू तो शेयर करना था, हर तरह का फैब्रिक नेट दिखा दिया, जॉर्जेट दिखा दिया, तो मुझे ये भी दिखाना था, तो इसलिए मैंने मंगाया है। तो ये देखिए इस तरह से है ये लहंगा। बेल्ट पे अलग काम मिल रहा है अगर आप पास से देखेंगे तो, थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर है, बड़ी सुंदर से फ्लावर्स एंड लीव्स बनाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ तक नीचे तक अलग कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये वाला पान पत्ती कुछ काजू काजू डिज़ाइन, और इसके बाद नीचे इस तरह से हैवी बॉर्डर है। साथ में यहाँ पे ब्लू कलर का आपको इतना बॉर्डर भी मिल रहा है। अगेन मैं दिखा देती हूँ आपको डाउट ना हो, इसमें भी हमें केन केन दी हुई है। केन केन हमारे लहंगे को बहुत ज़्यादा फ्लेई बनाता है, बहुत ज़्यादा हमें फुला, हम कहते हैं ना लहंगे में फ्लेयर नहीं आ रही, फुला हुआ नहीं लग रहा, तो उसी के लिए होती है केन केन यूज़। ठीक है, तो ये हो गया लहंगा। अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखाती हूँ। सो ये देखिए ब्लाउज का कपड़ा मुझे फिर भी काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। सॉरी अगर डिस्टर्बेंस आ रही है, हमारे यहाँ चौकीदार बहुत घूमते हैं, रात को 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, मैं रात में ही शूट कर रही हूँ ये। सो ये देखिए मेरे को अब इसको छू के ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा कपड़े की वो कर दी, कि इसमें इतना नहीं लग रहा, वो स्टिफी शायद इसलिए भी लग रहा है, केन केन है, फिर फैब्रिक है, अंदर अस्तर है, इस वजह से भी लग रहा है। बट ये फैब्रिक बहुत ही सुंदर है गाइस, तब इतना सुंदर लहंगा इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में अगर मिल रहा है ना, मैं तो कह रही हूँ ले लो। अगर घर में कोई शादी है, कुछ फंक्शन है, तो आप इसको ले लो, आप बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करोगे। मैं सच बता रही हूँ आपको, जिस हिसाब से इसका प्राइस है, इस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हर एक चीज में आपको काम मिल रहा है, चाहे वो चोली हो, चाहे दुपट्टा, मतलब हर एक चीज। इन्होंने लहंगे का भी डिजाइन करा है, तो आप देखेंगे बेल्ट अलग है, कमर की बेल्ट अलग है, फिर नीचे से थोड़ा सा नीस तक अलग काम है, फिर नीचे फ्लेयर पे, नीचे फ्लोर लेंथ पे अलग काम है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। सो ये देखिए, ये हो गई है इसकी फ्रंट ब्लाउज। ठीक है, ये फ्रंट मैंने गेस करा है, मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि इसका छोटा नेक है। अब जो आप इसका बैक देखेंगे ना, क्योंकि बैक का गला हमारा डीप होता है, तो बैक का गला दिया हुआ है कुछ इस तरह का। ये देखिए ये बैक है, बैक पे भी काम दिया और काफी बारीक सुंदर काम, मोटा नहीं, यहां से देखिए फ्रंट का बहुत ही सुंदर बारीक काम दिया हुआ है। अब आ जाते हैं इसकी स्लीव्स, देखिए गाइस कितनी भरी भरी आपको दो यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको स्लीव्स भी मिल रही हैं, जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि क्या बोलूं मैं, आप बताओ क्या ये सही है या नहीं, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग आप बताओ क्या ये अमेजिंग फैक्ट्री, सच में अमेजिंग है। सो अब आ जाते हैं इसकी चुन्नी की तरफ। चुन्नी नेट की मिल रही है, नेट बहुत ही सुंदर है। ये देखिए आपको मेरे ऐसे करने से ही समझ आ गया होगा, क्योंकि जो बेकार गंदी नेट होती है ना, फूलने वाली, वो ऐसे से, मैं इसको देखो दुपट्टे को वापस से, ऐसे है ये दुपट्टा। ठीक है, मैं इसको पूरा समेट के दिखाती हूँ, कुछ नहीं करूंगी, मेरे को एक बार ऐसे भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखो नेट एकदम सॉफ्ट नेट है गाइस, बिल्कुल ट्रस्ट मी, बिल्कुल सॉफ्ट नेट है, बहुत ही सुंदर नेट है। मुझे नेट में, मैं नेट पहली बार पहनना नहीं पसंद करती हूँ, बट अगर मैं नेट लेती भी हूँ, जैसे मैंने शादी में ली भी थी धोती मेरे आउटफिट में, तो मुझे नेट एकदम सॉफ्ट वाली चाहिए थी, वो मुझे फूली फूली अकड़ी अकड़ी नेट मुझसे पहनी नहीं जाती है, खास करके गर्मियों में। सो ये देखिए पूरे दुपट्टे पर गोल्डन कलर का काम मिल रहा है, कुछ इस तरह के बूटे, पास से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरह के बूटे, दुपट्टे के ऊपर लेस मिल रही है, इस तरह की पट्टी मिल रही है, पट्टी के बाद यहाँ पर ये स्कैल्पिंग वाली लेस भी मिल रही है गाइस, चारों तरफ, जी हाँ ध्यान से सुनिए, चारों तरफ ये वाली लेस मिल रही है, जो कि अगेन इस दुपट्टे को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। आप इस तरह से लीजिए, आप इस तरह से लीजिए, ये देखिए, ओह अब इस तरह से लीजिए, आपके ऊपर है ये दुपट्टा, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ये देखिए है ना कमाल की चीज। एंड नेक्स्ट है ये लहंगा। सो
बहुत ही सुंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है मैं इसको पूरा प्रॉपर लहंगा नहीं कहूंगी, बट हाँ एक काइंड ऑफ शरारा लहंगा कोटी बहुत ही सुंदर सा है। मैं साथ ही साथ स्क्रीन पर वीडियो भी प्ले कर रही हूँ गाइस, पिक्चर भी प्ले कर रही हूँ आइडिया के लिए, ताकि आपको पता चले कैसा लगने वाला है पहनने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इसके टॉप के साथ, क्योंकि एक टॉप है और साथ में आपको लहंगा प्लाजो स्कर्ट और लहंगा कुछ मिल रहा है। तो ये कॉटन कलर का ब्लैक कलर का है एंड कॉटन का है। ये है एक कोटी काइंड ऑफ, ये देखिए इस तरह से इतनी जो है ये यहाँ तक स्ट्रेट है। इसके बाद यहाँ पर ये दी हुई है कलियां वाली, जिसे वो फोटो में आप देखेंगे, मॉडल की भी डालूंगी मैं, अपनी भी डालूंगी, तो आपको आइडिया मिलेगा पहन के कैसे लगेगी। तो आगे पूरे फ्रंट पे ये फ्रंट ओपन है एंड यहाँ पे इस तरह के हुक दिए हैं इसको पहनने के लिए, और स्टैंड कॉलर है, अगेन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है आपको पता है। स्लीव्स पे भी पूरा काम मिल रहा है, वाइट कलर के कुशी धागा एंड गोल्डन कलर के सीक्वेंस से काम मिल रहा है, ये देखिए। ऑल ओवर पूरी जो कुर्ती है या टॉप है, जो भी कहेंगे इसको कोटी, उस पर आपको ऑल ओवर पूरा धागा और गोल्डन कलर के सीक्वेंस का काम मिल रहा है। ये तो है इसकी कोटी। इसके बाद है इसका ये लहंगा, बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं है इसमें सिर्फ एक इस लटकन के अलावा, बट पहनने के बाद ये कितना कूल लग रहा था आप देख ही सकते हैं मेरे ऊपर। मैंने वीडियो भी डाली है, फोटो भी डाली है स्क्रीन पर, आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। कॉटन का है इसका स्कर्ट कम लहंगा, या कम क्यों कह रही हूँ मैं इसको, लहंगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेयर है इसमें, बट ये आप छोटे मोटे इवेंट के लिए ले सकते हैं, वेडिंग के लिए नहीं जाए, बट अगर हाँ आपकी चॉइस थोड़ी सी मतलब आप थोड़े वो चटक मटक वाली आपको चीज़ें नहीं पसंद, काफ़ी लोगों को सिंपल सोबर चीज़ें पसंद होती हैं, वो चाहे वेडिंग में जाए कहीं पर भी जाए, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। छोटा मोटा इवेंट है उसमें आप इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन का है तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। साथ में आपको इसके मिल रहा है इस तरह का लटकन में एक कुछ इस तरह का है एंड इस तरह से टेसल्स भी मिल रहे हैं, दो लटकन मिल रहे हैं। तो कॉटन की प्लेटिंग वाली, पास से देखेंगे तो प्लेटिंग वाली स्कर्ट है ये, और बहुत ही कंफर्टेबल लग रही थी पहनने के बाद, ऐसा लग ही नहीं रहा था मतलब मैं इसको पहनकर भी वीडियो कर सकती थी, इतना कंफर्टेबल था ये पहनने में, सारे आउटफिट कंफर्टेबल थे। बट लहंगा थोड़ा सा ना होता है, लहंगा ये नहीं था ऐसा, ये डेली के हिसाब से भी ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट कहते हैं ना, लास्ट में एंट्री ली, पर क्या धमाकेदार एंट्री ली। तो ये है लास्ट आउटफिट, इसका कलर सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो इसके लहंगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत 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 प्यारी नेट यूज करी गई है इस लहंगे को बनाने के लिए, बहुत कंफर्टेबल नेट, ये देखिए। ये है इसकी बेल्ट, पूरे लहंगे पर छीटा वर्क है, कहीं कहीं कुछ इस तरह के पैनल दिए हुए हैं इस तरह के, ठीक है, नीचे तक ऑल ओवर, कोई नीचे एकदम नीचे फ्लोर लेंथ पे भी कुछ अलग नहीं है, पूरे पे एक जैसा सेम ही है इस लहंगे में, बट सिर्फ और सिर्फ कमर पे थोड़ा सा हैवी है, बाकी पूरा हमारा लहंगा ऐसा। अब जो इस लहंगे को पहनने के बाद एक अलग से लुक निकल कर आई थी ना, बहुत ज़्यादा फ्लेयर लग रही थी, बहुत बहुत बहुत, जबकि इसमें कैन भी अच्छा। मैं आपको बता दूँ, वो जो मैंने अभी ब्लैक वाला दिखाया ना, ब्लैक वाला इससे पहले वाला कोटी के साथ, उसमें कोई कैन नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो स्कर्ट है। इसमें कैन तो दी हुई है, कैन में भी आप देख रहे हो ना गाइस, एक चीज़ के कैसे प्लेटिंग मतलब ऐसे ही से पैसे नहीं लगा दिए, लेकिन आप पास से देखेंगे तो पता नहीं आपने नोट करा नहीं करा, मैं करवा देती हूँ। ये जो ये आप देख रहे हैं प्लेटिंग 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 करके फैब्रिक को स्टिच करा है, मतलब नेट को स्टिच करा है, इससे जो लहंगे में एक फ्लेयर आती है ना, लहंगा आपका बहुत ज़्यादा घेरे वाला लगता है, वो चीज़ इसके लिए उस चीज़ के लिए ही इस चीज़ को करा जाता है। मतलब हम लोग मास्टर जी को बोलते हैं, फैब्रिक नो डाउट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट पहनने के बाद इस लहंगे की लुक बहुत ही सुंदर आती है। सो उसमें इसमें ये चीज़ करी हुई है एंड नेट आपको मेरे ऐसे करने से समझ ही आ रहा होगा कि कितनी अच्छी सुंदर प्यारी सॉफ्ट नेट है, तभी ये एकदम बराबर में भी हो रही है, अदरवाइज अगर ये खड़ी खड़ी होती तो ये लहंगा बहुत फूला फूला लगता। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि नेट अगर आपको वीडियो में आइडिया लगाना है तो आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि नेट बहुत ही सॉफ्ट है, अदरवाइज ये फूली फूली होती। तो ठीक है, ये है इसका लहंगा। अब मैं इसकी चोली की बात कर लेती हूँ, फिर दुपट्टे पे आते हैं। ये मेरे हाथ में और मैं इधर, चोली जो है वो सिल्क की दी है,
शाइनिंग शाइनिंग सा जो थोड़ा सा कपड़ा होता है, आई थिंक उसको सिल्क ही कहते हैं। मैं स्क्रीन पर बाकी सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी, फैब्रिक प्राइस वगैरह सब आप देख लेना, ठीक है। ये देखिए, ये है इसकी फ्रंट आपके ब्लाउज की, एंड ये है इसकी बैक। मैं उल्टी दिखा रही हूँ ऐसे। ये है इसकी बैक और ये दोनों साइड में दी हुई है इसकी स्लीव्स, ठीक है। एक इस साइड दी है, एक इस साइड दी है। ये है इसका ब्लाउज, ये तो आपको सिलने के बाद ही समझ आएगा, ऐसे मतलब फैब्रिक से नहीं समझ आएगा, बाकी आपको आइडिया मिल जाए उसके लिए मैं स्क्रीन पर मॉडल की पिक्चर डाल रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दुपट्टे की। अगेन सेम नेट यूज करिए, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सी, पूरे दुपट्टे पर ये वाला छीटा दिया है, ये देखिए इस तरह का, ठीक है। इस तरह के छीटे वाले दुपट्टे हमें नॉर्मल लोकल मार्केट से अगर हम खरीदते हैं तो ही हमें ये आराम से छीटे वाले नेट के दुपट्टे 250-300 से कम नहीं मिलते हैं। सिर्फ मैं दुपट्टों की बात कर रही हूँ, इन लेस की बात नहीं कर रही हूँ साइड्स में लगी हुई। ये हम एड ऑन्स करवाते हैं, दुपट्टे लेते हैं, डाई करवाते हैं, फिर हम ये लेस अगर कुछ हमें एड ऑन्स करवाने हैं तो करवाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ऐसे करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। बट यहाँ आपको इतने प्राइस में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में लहंगे पे भी काम मिल रहा है, आपको स्लीव्स भी अलग से मिल रही है, आपको फ्रंट बैक सब कुछ काम वाला मिल रहा है, दुपट्टा भी आपको कुछ ना कुछ पूरे ऑल ओवर दुपट्टे पे तो छीटा मिल रहा है, तो फ्लावर प्रिंट मिल रहा है, तो फ्लावर का पैच मिल रहा है, साइड में किनारी भी मिल रही है, लेस भी ऐड है, पट्टी भी ऐड है, तो आप देख लो कि किसका फ़ायदा हो रहा है। दुपट्टे नेट का है, किनारे पे यहाँ पर जिस फैब्रिक का थोड़ा सा मतलब हमारा जो टॉप है ब्लाउज है सिल्क, उसी का फैब्रिक लगाया हुआ है ताकि अनफिनिश ना लगे। चाहते तो वो इसके ऊपर भी डायरेक्ट नेट के दुपट्टे के ऊपर भी लेस लगा सकते थे, बट वो क्या लगती, अनफिनिश लगती, तो इसलिए पहले यहाँ पे पाइपिंग लगाई है, फिर उसके ऊपर ये स्कैल्पिंग वाली लेस लगाई हुई है चारों तरफ। गाइस फिर से मैं आपको बता रही हूँ, चारों तरफ, सिर्फ दो तरफ नहीं, चारों तरफ, ठीक है। सो पहनने के बाद कैसा लगने वाला है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पता नहीं मुझे ना ऐसे दुपट्टे ना सर पे डालकर ही समझ आते हैं। देखिए मम्मा, हाउ वाज लुकिंग? क्रीम लगा दी। क्रीम लगा दी तुमने मुझे, तुम्हारा काम क्या है बस। तो ये देखिए गाइस, कलर वाज सुपर अमेजिंग, कितना सुंदर लग रहा है। सो ये थे गाइज मेरी अमेजिंग फैक्ट्री का लहंगा हॉल। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और गाइज सबसे अच्छी बात मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी, मतलब कोई भी अगर आपके साथ फ्रॉड या फेक करता है ना, मैंने खुद इतने सारे इंस्टाग्राम स्टोर पे मुझे चीजें पसंद आती हैं, मैं जाके बायो देखती हूँ, तो बायो में मैं सबसे पहले क्या पढ़ती हूँ, नो रिटर्न एंड रिफंड। उससे ही पता चल जाता है कि भाई नहीं आने वाली है चीज़ अच्छी, जब ये रिटर्न ही नहीं करें, रिफंड ही नहीं करें, इन्होंने COD अवेलेबल नहीं रखा, कुछ भी नहीं करा, तो मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ, मैं ऑर्डर ही नहीं करती हूँ, मेरा मन ही नहीं मानता है कि मैं ऑर्डर करूँ। बट यहाँ पे COD अवेलेबल है, आपको रिटर्न रिफंड पॉलिसी मिल रही है, 7 डेज का रिटर्न, मतलब एक दो दिन का नहीं, 7 डेज का। दूसरी बात, अमेजिंग फैक्ट्री कोई ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है, इनके आप बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे हॉल्स देख सकते हैं, बहुत वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं, इसका मतलब इनका काम अच्छा चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, सेल्स आ रही है, लोगों को इनके लहंगेज, इनके फैब्रिक, इनका डिज़ाइन पसंद आ रहा है, तभी इनका काम वर्ल्ड वाइड तक फैला हुआ है, ठीक है। तो सारे लहंगे की जो लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपने और भी इसके हॉल्स देखने हैं मेरे साथ, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसके और भी हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूँ या नहीं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अपना फेवरेट लहंगा ज़रूर कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में बता के जाइएगा कि आपको कौन सा लगा अच्छा, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं, सो या मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये हॉल पसंद आया होगा, मेक श्योर पसंद आया उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कीजिएगा, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम लोग के साथ बहुत होता है, मार्केट जाते हैं, हमारा बजट होता है कम, बट हमें चाहिए होती है चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी, हमें पसंद आती है चीज़ अच्छी, बट जब जैसे हम उसका प्राइस पूछते तो हमारे आउट ऑफ बजट होती है। बट यहाँ अफोर्डेबल में बहुत ही सुंदर लहंगा, कुर्ती, साड़ी, सूट, सलवार सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, तो आप जो चाहे परचेज कर सकते हैं। आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन सारे लहंगों का भी लिंक मैं अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो यहाँ मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।